नमस्कार दोस्तों, मैं योगी योगेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूं तीन ऐसी एंड्रॉइड एप्स के बारे में जो एप्स बहुत ही अवेसम है और मुझे ऐसा लगता है या मेरा ऐसा मानना है कि हर मोबाइल के अंदर ये तीन ऐप जरूरी होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों ऐप बहुत जरूरी हमारे लिए और बहुत ही यूजफुल ऐप है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक भी आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बगल में घंटी आपको दिखाई दे रही है उस पर क्लिक कीजिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की। दोस्तों थ्री अवेसम ऐप की लिस्ट में हमने जो फर्स्ट नंबर पर ऐप रखी है वो दोस्तों आज के हालातों को देख के रखी है, क्योंकि आपको पता है आज नोटबंदी के बाद सारा का सारा देश कैशलेस होने जा रहा है। तो हम भी क्या करते हैं, हमारे मोबाइल से पेटीएम, मोबीक्विक ऐसे दुनिया भर के वॉलेट हैं जिनसे हम लोग कैशलेस काम कर रहे हैं। जैसे दोस्तों D2H का रिचार्ज है या मोबाइल का रिचार्ज है या आदि कुछ भी हम करते हैं। तो दोस्तों हमारे मोबाइल में एक ऐप जो होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, हमें गूगल प्ले स्टोर पर आराम से मिल जाएगी, और नहीं मिलेगी तो हमेशा की तरह मेरी डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों ऐप का नाम है कूपन दुनिया। दोस्तों ये कूपन दुनिया है, ये दोस्तों आप 1 मिलियन डाउनलोड है, 4.4 की बहुत अच्छी रेटिंग है। दोस्तों ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, आप भी इसे कर लीजिएगा इंस्टॉल, और मैं बता देता हूँ ये इस तरह दिखाई देती है। और दोस्तों इसमें क्या करना है कि जब हम पहली बार इसमें जब जाएंगे तो पहली बार हमसे साइन इन करवाएगा। दोस्तों रेफरल कोड भी आपसे पूछ सकता है, तो आप इसमें रेफरल कोड भी दे सकते हैं, उससे आपको 50 रुपीज़ मिलेंगे अगर आप मेरा रेफरल कोड डालते हैं तो। दोस्तों रेफरल कोड है 72FW3X, दोस्तों 72FW3X ये वाला रेफरल कोड आप इसमें डालेंगे तो साफ लिखा हुआ है योर फ्रेंड ऑल्सो ऑन 50 रुपीज़, तो दोस्तों आपको 50 रुपीज़ भी मिल जाएगा। दोस्तों आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी ऐप है। इसमें बेनिफिट ये है कि हम पेटीएम यूज़ कर रहे हैं, अमेजन, मेक माई ट्रिप, जीवैम, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, इसमें डेली आपको बोनस मिलता रहता है कि भाई ये कूपन अगर हम उसमें डालेंगे तो देखो अप टू 7% कैशबैक, और दोस्तों 25 रुपये कैशबैक ऑन रिचार्ज एंड बिल पेमेंट। तो दोस्तों जब भी हम पेटीएम वगैरह और ऑनलाइन जब हम कोई पेमेंट करते हैं तो इसमें हम उसका प्रोमो कोड देख, जैसे पेटीएम के थ्रू करें तो पेटीएम का प्रोमो कोड देख लेंगे, अमेजन का प्रोमो कोड देख लेंगे, दोस्तों सारे के सारे प्रोमो कोड इसमें मिल जाएंगे आपको। और दोस्तों यहाँ कैटेगरी आप देख सकते हैं, मोबाइल, टैबलेट, कैमरा, इस किसी भी रिलेटेड आप कोई भी पेमेंट कर रहे हैं आपको वो प्रोमो कोड यहाँ से मिल जाते हैं, और वो कोड को आप कॉपी करके उसमें डाल सकते हैं प्रोमो कोड को, तो आपको कुछ कैशबैक मिलेगा। तो दोस्तों ये ऐप बहुत अच्छी है, मेरे हिसाब से ये ऐप होनी चाहिए आपके पास। दोस्तों सेकेंड नंबर के जो ऐप है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेकेंड नंबर पर जो हमने ऐप लिए वो लिए दोस्तों हमने SMS बैकअप, क्योंकि दोस्तों इसकी भी ज़रूरत बहुत रहती है। मेरे किसी व्यूवर्स ने भी मुझसे पूछा था अभी कुछ दिन पहले ही कि SMS उसे बैकअप लेना है SMS का तो किस तरह ले, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ SMS बैकअप की जो सबसे अच्छी ऐप है वो मैं बता देता हूँ उसके लिए, क्योंकि मैंने लगभग सभी यूज़ की है तो मुझे सबसे जो अच्छी लगी है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों SMS बैकअप के लिए दोस्तों सबसे अच्छी ऐप है ये वाली जो मैंने इंस्टॉल की हुई है। दोस्तों आप ये वाली ऐप कीजिए SMS बैकअप एंड रिस्टोर KitKat। दोस्तों ये वाली आराम से आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी ऐप है ये, 1 मिलियन इसके डाउनलोड है, 4.3 की इसकी रेटिंग है। दोस्तों इसका भी आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो दोस्तों मैंने थर्ड नंबर की ऐप आपके लिए रखी है जो ऐप वाकई में बहुत अच्छी है, उस ऐप का नाम है ट्रांसलेटर। दोस्तों ये वाला ट्रांसलेटर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ये ट्रांसलेटर बहुत ही अच्छा है। दोस्तों ये जो गूगल का ट्रांसलेटर है इससे बेटर है ये जो ट्रांसलेटर है, ये आप यूज़ कीजिए ट्रांसलेटर। और दोस्तों इसके 5 मिलियन डाउनलोड से 4.3 की इसकी रेटिंग है, बहुत अच्छा ये काम करता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ अब इन दो ऐप के बारे में ये किस तरह दिखाई देती है और कैसे काम करती है। दोस्तों पहला SMS बैकअप है, इसको आप क्लिक करेंगे, न्यू बैकअप पर क्लिक करेंगे, और दोस्तों न्यू बैकअप पर क्लिक करके हम इसको इस तरह करेंगे, और दोस्तों ये हमसे पूछ लेगा, ये हमारे सारे लिस्ट आ गई है और इस लिस्ट में सबसे पूछ लेगा, यहाँ पर हम टिक करेंगे हमें जिसका मैसेज का बैकअप लेना है, और दोस्तों हम ओके कर देंगे। इस तरह दोस्तों हम जिसका भी मैसेज लेना है सबका लेना है, आप सेलेक्ट ऑल कर देंगे सबका मैसेज आ जाएगा। दोस्तों इस तरह से हम अपने मैसेज की बैकअप ले सकते हैं, तो दोस्तों ये इस तरह काम करता है। और तीसरा जो मैंने आप ऐप बताया था ट्रांसलेटर, दोस्तों ये है ट्रांसलेटर, इसमें हम दोस्तों कुछ भी मैसेज कहीं भी हमको इंग्लिश में आया हम इसे टाइप कर देंगे, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा आई लव माई इंडिया, तो दोस्तों ये पूरा का पूरा यहाँ पर बीच में जो रेड है इस पर क्लिक करेंगे ये चक्री घूमेगी और ये आपको नीचे इसका हिंदी अर्थ करके देगी।
दोस्तों ये ऐप भी बहुत अच्छी है, इसे आप यूज कीजिएगा दोस्तों और आप अपने अनुभव इस पर शेयर कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कि कितने अच्छे आपके अनुभव रहे। दोस्तों ऐड आ जाए तो कभी कभी ऐसा, जैसे मैं अपने भारत से प्यार करता हूँ दोस्तों, इस तरह कोई भी मैसेज आप इंग्लिश में आएगा इस पर क्लिक कीजिएगा। और दोस्तों आप बोल कर भी इसमें यहाँ पे स्पीक करके भी कुछ भी बोल सकते हैं और उसका हिंदी अर्थ निकाल सकते हैं। दोस्तों ट्रांसलेटर ये देखिए इंग्लिश में नहीं है, किसी भी भाषा को आप किसी भी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को एक लाइक दबा दीजिएगा दोस्तों और ये जानकारी अपने दोस्तों में शेयर करने के लिए वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करने के बाद मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में नई टेक टिप्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।